दोस्तों आपका स्वागत है गाजर पर जिंदगी में, मेरा नाम है सुलभ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी पैंडेमिक फुल्ली गया नहीं है, अपने आप को सेफ रखिए, पहनिए वो मास्क जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, और अपना और अपनी फैमिली की जो सेफ्टी है वो आपके हाथ में है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले सैमसंग के गैलेक्सी A7 लाइट की, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही भी जानेंगे इसकी सारी खूबियां, क्या अच्छा है इस टैबलेट के अंदर, वो भी इसी वीडियो के अंदर। हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं इस वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं। पर हाँ, जो गेमिंग टेस्ट है इस टैबलेट का वो हम लेकर आएंगे हमारे गेमिंग चैनल पे, जिसका नाम है गैजेट ब्रिज गेमिंग, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का बॉक्स। पीछे इसका प्राइस भी दिया हुआ है, प्राइस है कुछ 17,500 जो बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, बट एक्चुअली मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है, तो एग्जैक्ट प्राइस मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इस टैबलेट की। तो खुल गया है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का बॉक्स। सबसे पहली चीज जो बॉक्स के अंदर है वो है द टैबलेट इटसेल्फ। अभी इसके रैप से बाहर निकाल के मैं इसको 2 मिनट के अंदर लेकर आऊंगा, तब तक देखते हैं इसके बॉक्स में आपको और क्या चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है इसका वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड भी है, और साथ ही में एक सिम इजेक्टर टू भी यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है। साथ ही में यहाँ पर है इसका फास्ट चार्जर भी, और उसी के साथ है इसकी चार्जिंग केबल भी, USB टाइप सी चार्जिंग केबल आपको साथ में मिल रही है। तो देखा जाए ये सारी चीज़ आपको मिलती है गैलेक्सी टैब A7 लाइट के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग सैमसंग के नए टैबलेट की, अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की, और साथ में बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी। दोस्तों अनबॉक्स हो गया सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट, स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर एस्थेटिक्स के साथ। सामने आपको एक लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, उसी के ऊपर आपको इसका सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक ईयर फ्री स्पीकर भी दिया हुआ है। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम बटन तो मिल ही रहा है, और उसी के ऊपर आपको इसका पावर बटन भी मिलता है, यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। बॉटम पे आए तो यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो पोर्ट है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, और साथ ही में एक स्पीकर ग्रिल भी है। टॉप पे आपको एक और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स हैं यहाँ पर आपको, तो डुअल चैनल साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पर इसका सिम स्लॉट भी दिया हुआ है, तो इसमें आप एक सिम डाल सकते हैं, जिससे आप ऑफकोर्स जैसे यहाँ पर डायलर दिया हुआ है उसे आप बातें भी कर सकते हैं। तो चिन एरिया भी है सामने, ऊपर जो है हेड एरिया भी है, तो H2H स्क्रीन नहीं है पर काफ़ी डिसेंट है, अच्छे ब्राइट कलर्स मेरे को अभी देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बैक पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर एक सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है, और साथ ही में एक सिंगल, एक लौता अकेला पीछे का कैमरा दिया हुआ है। तो ओवरऑल ज़्यादा हैवी नहीं है, बेसिक यूसेज के लिए ये टैबलेट ठीक रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको 8.7 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, 800x1340 पिक्सल्स का इसका रेजोल्यूशन है, TFT स्क्रीन है, पर कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब इनसाइज की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का P22 Helio चिपसेट मिलता है, 2.3 GHz तक इसकी स्पीड जाती है, ऑक्टा कोर चिपसेट है, और जो GPU है वो GE8320 पावर VR का GPU यहाँ पर आपको मिलेगा। गेमिंग टेस्ट ऑन गैजेट ब्रिज गेमिंग और अदर YouTube चैनल, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। RAM और ROM की बात की जाए तो ये 3GB RAM के साथ आता है, और 32GB की इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 1TB यूजिंग अ माइक्रो SD कार्ड। कॉलिंग फीचर्स, वीडियो कॉलिंग फीचर्स, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वाईफाई तो मिल ही रहा है, साथ ही में आप इसके अंदर एक सिम कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि 4G रेडी है। ओवरऑल ज़्यादा हैवी नहीं है, कुछ 371 ग्राम्स का इसका वेट है, मेटल की क्योंकि बैक है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, तो इसकी वजह से हल्का सा ज़्यादा है, प्लास्टिक के जो एजेस हैं वो दिए हुए हैं, आगे ग्लास का फ्रंट है। अब कैमरास की बात करें तो जो पीछे का कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा है, वहाँ पर आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो सामने का सेल्फी कैमरा है
वो है 2 मेगापिक्सल का। बैटरी पर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है, 15 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस भी इंक्लूड किया गया है सैमसंग द्वारा। अभी इसका स्पेशल प्राइस चल रहा है, 14,999 रुपये में आप इस टैबलेट को अपना सकते हैं। दोस्तों अब अगर नज़र डालें सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, साथ ही में जो सैमसंग की One UI 3.1 की स्किन है वो ऊपर लगा के दी गई है। तो 3GB रैम मेरे को हल्की सी कम लग रही है, एटलीस्ट 4GB तो होनी चाहिए थी, क्योंकि हल्का फुल्का लैग मेरे को कहीं कहीं जगह पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्ले स्टोर भी ओपन करता हूँ तो हल्का सा लैग देखने को मिलता है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन में भी हल्का सा लैग है। पर हाँ, क्योंकि बजट सेगमेंट में ये टैबलेट है तो ओवरऑल बाकियों के मुकाबले, जैसे अल्कैटेल या बाकी किसी और कंपनी के जो आते हैं उसके मुकाबले एक्सपीरियंस इज मच 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 बेटर। ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। नेटफ्लिक्स जैसी ऐप्स यहाँ पर पहले से लगा के दी गई हैं, उसके अलावा सैमसंग का अपना स्वीट है, उसके अलावा कुछ और आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टॉकिश एंड्रॉयड फील है इसकी, बट यस लैक का कुछ सैमसंग को करना पड़ेगा अगले अपडेट्स के अंदर। पर ओवरऑल फील व्हेन कंपेयर टू अदर टैबलेट्स इन द सेगमेंट, दिस इज वे बेटर, मच बेटर, काफ़ी अच्छा टैबलेट लग रहा है इंटरफेस वाइज। तो किसके लिए टैबलेट सैमसंग ने बनाया है? बेसिकली जो लोग मूवीज पसंद करते हैं उनके लिए, या कोई हल्का फुल्का अपना काम करना चाहते हैं ऑन अ टैबलेट, डे टू डे वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए ये टैबलेट एकदम अमेजिंग मजेदार रहेगा। दोस्तों बारी आ गई है इस टैबलेट का कैमरा टेस्ट करने की, तो आइए क्विक कैमरा टेस्ट करते हैं इस टैबलेट का। तो दोस्तों कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का क्विक कैमरा टेस्ट भी। मैंने नेटिव ऐप खोल ली है, पहले मोड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल रहा है, फोटो मोड है, साथ ही में वीडियो मोड भी है इसका। और उसी के साथ जाएंगे तो मोड के अंदर आपको थोड़े से और मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामा है, फूड है, हाइपरलैप्स है। फोटो मोड में चलते हैं, इसके पिछले कैमरा से एक इमेज क्लिक करके देखते हैं कैसी आती है ये इमेज। तो ऑन स्क्रीन क्लैरिटी तो अभी ठीक लग रही है, इमेज की क्लैरिटी अभी देख लेते हैं कैसी आएगी। नॉट बैड फॉर अ टैबलेट, दिस काइंड ऑफ रेजोल्यूशन और ऐसे कलर्स आना थोड़े मुश्किल होते हैं, तो इस पे मेरे को अभी के लिए ये ठीक लग रहे हैं। फुल कैमरा टेस्ट हम लेकर आएंगे ऑन gadgetbiz.com, तो वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको इसके सेल्फी कैमरा से भी एक इमेज और बाहर चल के सनलाइट में एक इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जो मैंने बाहर जाके अभी इमेज क्लिक की है, मैंने बालकनी में जाके अभी इमेज क्लिक की है, शाम का टाइम हो रहा है तो अच्छी लाइट है। डिटेल्स जो हैं इमेजेस की ठीक ठाक ही आई हैं, बहुत बढ़िया नहीं मैं उसे बोलूँगा, पर हाँ टैबलेट के लिए ठीक है, स्मार्टफोन जैसी इमेजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अब चलते हैं सेल्फी की तरफ, तो मैंने 2-3 सेल्फी क्लिक की तो ये मेरे को बेस्ट लगी, पर हाँ यहाँ पर भी डिटेल्स बेटर हो सकती थी, एज डिटेक्शन भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था। पर ओवरऑल अगेन टैबलेट है तो यहाँ पर क्योंकि आप ज़्यादा इमेजेस नहीं क्लिक करेंगे, यू वुड बी मेकिंग योर ओन वीडियो कॉल्स, उसके लिए ये क्वालिटी या कपल ऑफ सेल्फी इमेजेस के लिए ये क्वालिटी ठीक है। आपको कैसी लगी इमेजेस मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सैमसंग ने काफ़ी ठीक ठाक टैबलेट बनाया है, लाइट वर्जन है, ठीक है, काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। आशा करता हूँ आपको हर बार के जैसे ये वीडियो भी पसंद आया है तो दबाइए वो सब्सक्राइब का बटन और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन, इसे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।